अभिषेक सॉरी प्रेजेंट कर रहा हूँ एसटी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्स लॉ। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स एंड फील्ड, विद्युत आवेश बल तथा क्षेत्र। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम के नियम का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ से पहले हम पढ़ चुके हैं, इस लेक्चर में देखेंगे कूलम के नियम के महत्व क्या है। जो कूलम का नियम है यह केवल ग्राम अवस्था में स्थित आवेशों के लिए ही सत्य है। जो गतिशील अवस्था के गतिशील आवेश है उनके मध्य लगने वाला जो बल है वो अन्य नियमों द्वारा दिया जाता है, कूलम के नियम द्वारा नहीं दिया जाता है। कूलम का नियम सिर्फ और सिर्फ ग्राम अवस्था में स्थित आवेशों के लिए ही सत्य है। अगर कोई आवेश गतिशील अवस्था में है तब उनके बीच में जो बल लग रहा है उसकी गणना अन्य नियमों के द्वारा की जाएगी, कूलम के नियम से नहीं की जाएगी। कूलम का नियम जो है सिर्फ और सिर्फ ग्राम अवस्था में स्थित आवेशों के लिए ही सत्य है, गतिशील अवस्था में आवेशों के लिए सत्य नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, कूलम का नियम आवेशों के मध्य अत्यधिक दूरी से अत्यधिक दूरी तक सत्य है। मीन्स कहा जाए कि किलोमीटर की कोटि तक भी सत्य है कूलम का नियम, और अत्य अल्प दूरी यानी कि दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस अगर बहुत कम हो -10^-15 मीटर की कोटि तक भी यह सत्य होता है। किलोमीटर की कोटि से 10^-15 मीटर की कोटि तक यह सत्य होता है, वैलिड होता है कूलम्स लॉ। अतः इस बल के आधार पर परमाणु के इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के साथ बंधन, परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का नाभिक के साथ बंधन तथा दो या दो से अधिक परमाणुओं के परस्पर संयोग से जो अणु बनता है अणु की रचना समझाई जा सकती है। मीन्स कोई भी कूलम के नियम से कूलम्स लॉ से आवेशों के मध्य अत्यधिक दूरी तक ये वैलिड होता है, -3 कोटि से किलोमीटर की कोटि तक वैलिड होता है कूलम्स लॉ। अतः इस बल के आधार पर जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन का नाभिक के साथ बंधन जो होता है तथा दो या दो से अधिक परमाणु के परस्पर संयोग से जो अणु बनता है उस अणु की रचना समझाई जा सकती है कूलम के नियम से। लेकिन जो नाभिकीय बल होता है नाभिकीय बल का कूलम के नियम से कोई संबंध नहीं होता है। जो परमाणु होता है उसका नाभिक में प्रोटॉन जो उपस्थित होते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच तथा न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन के बीच में कुछ फोर्स एक्ट करता है जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। लेकिन जो नाभिकीय बल होता है उसका कोई भी संबंध नहीं होता है कूलम के नियम से। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, यह नियम प्रयोग के आधार पर प्राप्त हुआ है अतः इसे प्रायोगिक नियम भी कहते हैं। कूलम्स लॉ है वो प्रयोगों के आधार पर प्राप्त हुआ है हमें, इसलिए ये इस नियम को प्रायोगिक नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल पर उनके आसपास स्थित अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पर कोई Q1 है कोई आवेश, यहाँ पर कोई Q2 है, ये दोनों चार्ज है, तो इसके आसपास जो कुछ चार्ज होंगे उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल पर उनके आसपास जो कुछ और अन्य आवेश उपस्थित हैं उनका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इसको पढ़ने के इसको कूलम्स लॉ के महत्व क्या है, कूलम के नियम का क्या महत्व है, यही है ये पॉइंट। सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्स लॉ आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।